दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2021 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अपने जोरों शोरों से चल रही हैं, क्योंकि अब भारतीय टीम के स्क्वाड की भी घोषणा कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि करोड़ों भारतीयों की जान महेंद्र सिंह धोनी को टीम का मेंटोर कोच बनाया गया, जो टीम को लीड करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि महेंद्र सिंह धोनी के मेंटर बनते ही टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने धोनी के लिए ऐसी बात कह दी जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया है। चलिए बता दें आपको रोहित शर्मा ने अपने बयान में क्या कहा, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टीम का हेड कोच भी बना देना चाहिए या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन अक्टूबर के महीने में होना है, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी तरह से बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जहां टीमें अपनी अपनी टीमों की घोषणा कर चुकी हैं, तो वहीं अब भारतीय टीम ने भी अपनी टीम के स्क्वाड की घोषणा कर दी है, जिसमें कई युवा खिलाड़ियों को भारतीय टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला है। और आपको जानकर खुशी होगी कि महेंद्र सिंह धोनी की काबिलियत को देखते हुए उन्हें T20 वर्ल्ड कप की टीम में मेंटोर का पद मिला है। इससे एक बात तो जाहिर होती है कि BCCI के आला अधिकारियों के बीच चली बैठक में यह फैसला लिया गया कि शायद धोनी ही वो शख्स हैं जो भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप का खिताब जितवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास काबिलियत की कोई कमी नहीं है और उन्होंने अपने करियर में भारतीय टीम को हर एक बड़ी उपलब्धि से सम्मानित करवाया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी को T20 वर्ल्ड कप के लिए मेंटोर बनाया गया, टीम के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें एक बेहतर कोच मिल गया है। धोनी के साथ हमने काफी लंबे समय तक क्रिकेट खेली है और हमारी बॉन्डिंग उनके साथ काफी अच्छी रही है। क्रिकेट के हर एक पहलू का किस तरह से सामना करना है धोनी बखूबी ढंग से जानते थे। मुश्किल परिस्थितियों में भी हमने कई मैच जीते हैं और धोनी ही वो शख्स हैं जिसने भारतीय टीम को जीतना सिखाया, क्योंकि धोनी को क्रिकेट की बहुत अच्छी समझ भी रही है और क्योंकि उन्होंने अपनी कप्तानी में न सिर्फ भारतीय टीम को हर एक ट्रॉफी जिताई है, बल्कि खिलाड़ियों से उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन निकालने में भी कामयाबी हासिल की है। यही कारण रहा कि हर एक युवा खिलाड़ी खुद को बेहतर बनाता ही चला गया और आज के समय में भारतीय टीम के पास में स्टार खिलाड़ियों की कमी नहीं है। युवाओं से लेकर अनुभवी खिलाड़ियों का एक कॉम्बिनेशन भारतीय टीम को मिला है, जो और भी ज्यादा टीम को मजबूत बनाता है। और ऊपर से धोनी जैसे मेंटोर हों और वो हमें लीड करें, तो यकीनन T20 का खिताब भारतीय टीम ही जीतने वाली है। हम धोनी के साथ मिलकर रणनीतियां बनाएंगे और अभी से ही T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी तैयारियां भी शुरू कर देंगे। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा ने अपने बयान में ये बात भी कही है कि धोनी के आ जाने से अब उन्हें इस बात की संतुष्टि हो गई है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 का खिताब तो भारतीय टीम ही जीतने वाली है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से रोहित शर्मा ने अपने बयान में भारतीय टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतने की बात कही है, आप सभी को क्या लगता है कि क्या धोनी की अगुवाई में भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत पाएगी या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।